कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई है। ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स इंसानों पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। रूस की सचनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वादम तारासोफ ने रूसी खबर एजेंसी स्पोटिंग को ये बात बताई है। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स के पहले ग्रुप को 15 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जबकि दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रूस के गमीली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की जानिब से तैयार करदा कोरोना वायरस वैक्सीन के तिब्बी ट्रायल्स का 18 जून को आगाज किया था। वादिम तारासोफ ने मजीद बताया कि सचनो यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के तमाम टेस्ट इंसानों पर मुकम्मल कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरास्टोलॉजी ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज के डायरेक्टर अलेक्जेंडर लोकाशेफ ने बताया कि वैक्सीन इंसानों के लिए पूरी तरह महफूज है। इसकी तमाम तर आजमाइश मुकम्मल कर ली गई हैं। अलेक्जेंडर लोकाशेफ ने भी रूसी खबरसा एजेंसी स्पोटनिक से बात करते हुए बताया कि वैक्सीन महफूज है और इस बात की तौसीक भी हो चुकी है। इस तरह रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। ताहम इस बारे में कोई तफसील नहीं दी गई है कि वैक्सीन की कमर्शियल बुनियादों पर तैयारी कब शुरू की जाएगी। बता दें कि दुनिया भर में 150 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें से 21 कंपनियों के वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल्स के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। अगर रूसी यूनिवर्सिटी और कंपनी की बात पर यकीन कर लिया जाए और ये हकीकत पर मबनी हो तो रूस पहला मुल्क होगा जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन अपने यहाँ तैयार कर ली है।